देख रहे हैं आपका शहर आपकी खबर, मैं हूं आपके साथ संजय यादव। खबरों की शुरुआत करते हैं, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, इन्वेस्ट राजस्थान 2022 स्थगित कर दिया गया। बड़ी खबर है, जल्द जारी होगी सम्मेलन की नई तारीख, 24 और 25 जनवरी को प्रस्तावित था आयोजन और इन्वेस्ट राजस्थान की थीम पर होनी थी समिट। राजस्थान में नए निवेश के लिए अहम है समिट, कोरोना और ओमिक्रोन को लेकर लिया गया बड़ा फैसला, विदेश से बड़ी संख्या में आने वाले थे निवेशक और अब स्थितियां सामान्य होने पर जारी होगी नई तारीख। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। आपको बता दें कि अंकित हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अंकित, क्या कुछ जानकारी इस वक्त है? देखिए, राजस्थान के निवेश से जुड़ी बहुत बड़ी खबर है कि जो 24 और 25 जनवरी को आयोजित होनी थी इन्वेस्टमेंट समिट, जो इन्वेस्ट राजस्थान की थीम पर थी, वो स्थगित हो गई है। नई तारीख जारी नहीं की गई है। ओमिक्रॉन और कोविड के केस बढ़ने के चलते यह निर्णय लिया गया है, क्योंकि बड़ी संख्या में विदेश से भी निवेशक यहाँ आने थे, साथ ही अन्य राज्यों के निवेशक भी यहाँ आने थे। विभिन्न सत्रों का आयोजन होना था। ऐसे में उद्योग विभाग की अनुशंसा पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सैद्धांतिक सहमति दी है। कुछ ही देर में स्थगित होने के वास्तविक जो औपचारिक आदेश है वो जारी होंगे। और इस पूरे मामले में लगातार पूरी सरकार सक्रिय थे, विभिन्न विभाग लगातार कामकाज कर रहे थे, और अब कह सकते हैं कि स्थगित होने से भले ही आयोजन नहीं हो रहा हो, लेकिन जो निवेश प्रस्ताव है, एमओयू एलओयू है, वो जारी रहेंगे और ऑनलाइन माध्यम से निपटारा किया जाएगा। और कोशिश यही रहेगी जो अभी तक 6 लाख करोड़ के एमओयू और एलओआई हो चुके हैं उन्हें अमली जमा पहनाया जाए, साथ ही जो इन्वेस्टमेंट समिट हो तब राजस्थान की धरती पर इन्वेस्ट लाया जाए। विभाग अब ऑनलाइन मोड पर, वर्क फ्रॉम होम पर, और साथ ही कोविड की स्थितियों को नजर में रखते हुए कामकाज करेगा और कोशिश ये रहेगी। अंकित, नई तारीखों को लेकर कोई संभावना है? चूंकि कोविड अभी कब तक चलेगा किसी को पता नहीं, किस फेज में यह पहुंचता जाएगा, तो क्या जब कोविड कमजोर होगा उसके बाद नई तारीख का ऐलान किया जाएगा, चूंकि तैयारियां सारी लगभग हो चुकी थी? देखिए, कोशिश यही है कि इन्वेस्टमेंट समिट चालू वित्त वर्ष में ही की जाए, यानी मार्च से पहले पहले करने की पूरी कोशिश है, और नई मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ बैठक के बाद जारी होगी। ऐसे में कह सकते हैं कि बड़ा जो फैसला है वो लिया गया है, और इस बड़े फैसले के बाद अब बेहद अहम हो जाता है कि जो निवेशक पहले से आए हुए हैं उनसे संपर्क लगातार बनाए रखा जाए। जी बिल्कुल, धन्यवाद इस पर तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। आपको बता दें कि कुल मिलाकर यह है कि फिलहाल ये बड़ा फैसला लिया गया है, लेकिन कोविड के चलते आप सोचिए, जहां पूरी तैयारियां हो चुकी थी, बाहरी विदेशी इन्वेस्टर्स यहां पर आने वाले थे, ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कोविड की वजह से यह कितना नुकसान है। हालांकि सरकार ने फिलहाल जो एमओयू एलओयू हो चुके हैं उनको अब जमीनी तौर पर उतारने की तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन जो बाहरी निवेशक आने वाले थे उनको भी संपर्क में रखा जाएगा, ताकि जैसे ही माहौल ठंडा होता है, बेहतर होता है, उसके बाद ये समिट दोबारा शुरू की जाएगी।